मनकीरा में जंग भकर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, डाले और कैरी डिब्बे में तस्दुम, दो खवातीन समेत पांच अफराद जान बहक हो गए, आठ जख्मी, जबकि इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। आपको बताएं कि मनकीरा में जंग भकर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, डाले और कैरी डिब्बे में तस्दुम, दो खवातीन समेत पांच अफराद जान बहक हो गए जबकि आठ जख्मी हुए, इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, मनकीरा में जंग भकर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, डाले और कैरी डिब्बे में तस्दुम, दो खवातीन समेत पांच अफराद जान बहक जबकि आठ जख्मी हो गए, इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनकीरा में जंग भकर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा रूनमा हुआ है, डाले और कैरी डिब्बे में तसादुम, दो खवातीन समेत पांच अफराद जान बहक हो गए, आठ जख्मी, इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई, कैरी डिब्बे में सवार मुसाफिर मियावाड़ी से फैसलाबाद जा रहे थे। आपको बताएं कि मनकीरा में जंग भकर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, डाले और कैरी डब्बे में तसादुम जिससे दो खवातीन समेत पांच अफराद जान बहक हो गए, आठ जख्मी हुए, इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। कैरी डब्बे में सवार मुसाफिर मियांवाली से फैसलाबाद जा रहे थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक रशीद जी, बताइएगा कैरी डिब्बे में मौजूद मुसाफिरों का ताल्लुक किस इलाके से था और कहाँ जा रहे थे? जी बिल्कुल, ये खौफनाक हादसा जो है मनकीरा का इलाका है नासिराबाद, जहाँ पर जो है पेश आया है, जो कैरी डब्बा था वो मियांवाली से फैसलाबाद जा रहा था, एक ही खानदान से उनका तलक बताया जा रहा है जो कैरी डब्बे में सवार थे, दो खवातीन समेत पांच अफराद जो है वो जहाँ वाकू हैं जबकि आठ जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जो जख्मी है उनको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, कुछ जख्मी ऐसे भी बताए जा रहे हैं जिनकी हालत तश्वीशनाक है, जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मक्खर जो है मुंतकिल किया जा चुका है, रेस्क्यू की जो इमदादी टीम है वो भी मसरूफ है, जबकि जो पुलिस है थाना मनकीरा की पुलिस वो भी मौका पर पहुंच चुकी है और उसने कार्रवाई का जो बकायदा आगाज है वो कर दिया है। जी जी, ये भी बताइएगा कि उन्हें किस हॉस्पिटल में रेफर किया गया है और जख्मियों की हालत क्या बताई जा रही है? दो जख्मी ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी तश्वीशनाक हालत है, जिनको जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बक्कर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि जो बाकी हैं उनको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मनकीरा मुंतकिल किया जा चुका है। जी ये भी बताइएगा कि डाले में कितने अफराद थे? में दो अफराद सवार थे जिनमें जो डाले का ड्राइवर था वो मौका पर जो है दम तोड़ गया था, जबकि जो दूसरा था वो भी जख्मी है, उसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है मनकीरा मुंतकिल किया गया था। जी जी रशीद, ये भी बताइएगा क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से ये हादसा पेश आया है? हादसे की जो वजूहत है एनी शाहिदीन के मुताबिक वो यही बताई जा रही है कि जो कैरी डब्बा था जो कि मियांवाली से फैसलाबाद जा रहा था, कैरी डब्बा का जो टायर है वो ब्रेक हुआ है, तेज रफ्तार का कैरी डब्बा जो कि सामने से आने वाले जो शाहजोर डाला है उससे टकराया है, अभी तक जो है पुलिस कार्रवाई में मसरूफ है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। जी ये भी बताइएगा उनके खानदान की जानिब से कोई लोग आए हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से, इस हादसे के हवाले से? जो वर्षा है वो जो है पहुंचना शुरू हो चुके हैं, एक ही खानदान से जो है तलक बताया जा रहा है, मियांवाली के एक ही खानदान से तलक है, जो जख्मी हुए हैं या जिनकी जो डेड बॉडीज हैं वो भी रिसीव की जा रही है वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बक्कर से, तो जो वर्षा है वो पहुंच रहे हैं वहाँ पे, जो फैमिली थी वो एक फौजी पे जो है फैसलाबाद जा रही थी जो कि हादसे का शिकार हुई है। जी जी रशीद, ये भी बताइएगा कि जो आपस में कैरी डिब्बे में बैठे हुए थे उनका आपस में क्या रिश्ता था? गरीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, अभी तक जो फाइनल मालूमात है वो अभी तक हमें नहीं मिली, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द जो है वो फाइनल मालूमात हासिल करके हम आपको आगाह करते रहेंगे। जी रशीद हमारे साथ मौजूद थे, आपको बता रहे हैं मनकीरा में जंग भकर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, डाले और कैरी डिब्बे में तसादुम, दो खवातीन समेत पांच अफराद जान बहक, आठ जख्मी हो गए, इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई, कैरी डिब्बे में सवार मुसाफिर मियांवाली से फैसलाबाद जा रहे थे। आपको बताएं कि मनकीरा में जंग भकर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, डाले और कैरी डब्बे में तसादुम, दो खवातीन समेत पांच अफराद जान बहक हो गए।